Hello students, so far we have studied that DNA is the genetic material. Who proved it? Finally it was proved by Hershey-Chase experiment. तो आज हम देखेंगे कि genetic material होने के लिए क्या properties हैं. Means किसी molecule को genetic material हम कहेंगे जब वो following criteria को fulfill करता हो. जैसे कि first criteria है, it should be able to generate its replica और replication. Replication अगर कर पाएगा कोई molecule तभी उसे हम genetic material कहेंगे, otherwise नहीं. It should chemically and structurally be stable. Stability बहुत important phenomena है. Stability होनी चाहिए उस molecule में जो genetic material की तरह act करने वाला है. It should provide the scope for slow changes or mutation. Mutation होते हैं sudden heritable changes. ज़रूरी है DNA में म्यूटेशन हो या जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन हो, सो दैट इवोल्यूशन हो सके. इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है म्यूटेशन. लास्ट पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके कैरेक्टर्स के फॉर्म में, ये ज़रूरी है. अब हम वन बाय वन इन कैरेक्टर्स को देखते हैं डिटेल में. फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका और रेप्लिकेशन. डीएनए मॉलिक्यूल के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. आपको पता है ये दो स्ट्रैंड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनके बीच में स्पेसिफिक तरह की बेस पेयरिंग है. मीन्स ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड जी ऑलवेज पेयर्स विद सी. ये जो स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है ये हमें सजेस्ट करती है इनकी कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में. तो इट्स वेरी क्लियर कि डीएनए रेप्लिकेट करता है. डीएनए में बेस पेयरिंग होती है और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में ये रेप्लिकेट करता है. मीन्स ये अपनी कॉपी जनरेट करता है. डीएनए और आरएनए दोनों ही अपनी कॉपीज फॉर्म करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं. बहुत ज़रूरी है रेप्लिकेशन होना, क्योंकि जब भी सेल को डिवाइड होना है डीएनए डुप्लीकेट होता है और अपनी कॉपी फॉर्म कर लेता है. आपको पता है, आपने जो प्लस वन में पढ़ा है सेल डिवीजन, वहाँ पर देखा भी है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है. डीएनए रेप्लिकेट करता है, प्रोटीन रेप्लिकेट करता है. जेनेटिक मटेरियल की फाइट में और तीसरा कौन सा मॉलिक्यूल था? प्रोटीन. पर प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता है, तो प्रोटीन उस फाइट से अभी बाहर हो गया. प्रोटीन कैन नेवर बी कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल. अब हम देखते हैं कि ये स्टेबल होना चाहिए. स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों तरीके से ये स्टेबल होना चाहिए. जेनेटिक मटेरियल वो है जो हमने पेरेंट्स से लिया है. अगर पेरेंट्स से हमने जेनेटिक मटेरियल जो लिया है वो एज के साथ, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होने के साथ या बॉडी के डिफरेंट स्टेजेस के साथ अगर चेंज हो जाएगा तो वो जेनेटिक मटेरियल फिर कैसे रह जाएगा? तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए खास बात है कि ये चेंज ना हो जाए लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के साथ, एज के साथ या चेंजिंग फिजियोलॉजी के साथ, कहीं ये चेंज ना हो जाए. स्टेबल होना चाहिए. डीएनए स्टेबल है ये बात अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी से प्रूव हो जाती है कि जो ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने देखा, जहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये जो एस स्ट्रेन यूज़ किया, जब हीट किल्ड कर दिया इस एस स्ट्रेन को, उसके बाद भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बची रही. इसकी जो खास प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर पा रहा था, तो ये वाली प्रॉपर्टी हीट किल होने के बावजूद भी डीएनए में बची रही. इट मींस ये एक अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं ये जेनेटिक मटेरियल है बिकॉज इट इज़ स्टेबल. दूसरी चीज़, जब आप डीएनए को हीट करते हो तो दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं, पर वापस नॉर्मल कंडीशंस होने पर दोनों स्ट्रैंड्स फिर से जुड़ जाते हैं. ये स्टेबिलिटी के ही एग्जांपल हैं कि डीएनए कितना स्टेबल है. उसके अलावा आप डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको खुद पता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है. आरएनए में राइबोस शुगर है, मींस जो पेंटोस शुगर है उस राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे एक ओएच ग्रुप है
जो इसको काफ़ी रिएक्टिव बना देता है और इसकी वजह से आरएनए लेबाइल होता है और इजीली डिग्रेडेबल होता है। जबकि डीएनए में, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए में शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, मींस ये सेकंड पोजीशन पे ओएच नहीं है, ये भी इसको स्टेबिलिटी देती है। और उसके अलावा डीएनए में थाइमीन जो होता है, ये जो थाइमीन है ये भी इसको एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। इन सारी चीज़ों की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल काफ़ी स्टेबल होता है, जबकि आरएनए काफ़ी रिएक्टिव होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, उसके साथ साथ ये एक कैटालिटिक फंक्शन भी करता है, मींस कुछ रिएक्शंस को कैटालाइज भी करता है। तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इट इज़ प्रेफर्ड एज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम बात कर चुके हैं डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंस में इस पॉइंट को, फिर भी डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटीरियल और डीएनए इज़ प्रेफर्ड एज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब स्टेबल तो है, स्टेबिलिटी है, पर फिर भी स्लो चेंजेस का स्कोप होना चाहिए सो दैट म्यूटेशन हो सके, इवोल्यूशन हो सके। तो आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा म्यूटेशन होता है, पर डीएनए में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़ा बहुत ये म्यूटेट होता है। आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा फास्ट रेट में म्यूटेट करता है। तो आप जानते हो जो आरएनए वायरसेस हैं जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट होते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हमने पेरेंट्स से लिया है उसको एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। मींस आई कलर है तो आई कलर को प्रोटीन के फॉर्म में या हार्मोन या जो भी बना के उसको एक्सप्रेस भी होना है। तो ये जब कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं तो क्या सीक्वेंस होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है, डीएनए से सेंट्रल डॉग्मा आपको याद है ना, डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए फॉर्म करता है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो जब भी प्रोटीन फॉर्म होनी यानी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होने हैं तो पहले आरएनए बनेगा। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तब तो वो डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा, पर अगर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल तो ये डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए इस आरएनए पे डिपेंडेंट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आरएनए कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा सही है, जबकि डीएनए कैरेक्टर्स के स्टोरेज के लिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो आपने देख लिया कि डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जबकि आरएनए खुद प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। इसलिए डीएनए इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, जबकि आरएनए इज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आरएनए की बात करें अगर, तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल था, हमें कैसे पता चलता है, बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। हम जानते हैं लाइफ जो भी फॉर्म हुई है हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लीड हुई है। सिंपल लिविंग क्रिएचर्स फॉर्म हुए हैं पहले प्रोकैरियोटिक से लाइफ, फिर यूकैरियोटिक, तो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और बेटरमेंट की तरफ लाइफ मूव हुई है। सिंपल जेनेटिक मटीरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ज़्यादा रिएक्टिव है, पहले आरएनए बना और उसके बाद बेटरमेंट्स हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए और थोड़ा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए फॉर्म हुआ। आरएनए बना पहले, हमें इससे भी पता चलता है बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि कुछ मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस। आप देखोगे, डिटेल में पढ़ोगे आप प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। तो आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग होती है। जब आरएनए फॉर्म होता है तो लंबे से डीएनए से एक लंबा सा आरएनए फॉर्म होता है, पर क्योंकि जीन्स होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स जिन्हों कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है, जिन्हें कोड करते हैं कैरेक्टर्स के लिए, तो सिर्फ वही खास सेगमेंट जो आरएनए का है वो एक्सप्रेस होना है, बाकी लंबा सा फालतू का आरएनए बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है।
तो उसकी स्प्लाइसिंग हो जाती है, कटाई छटाई हो जाती है, जो बहुत लंबा सा आरएनए है वो किसी काम का नहीं है। सपोज ये वाला पोर्शन है जिसको प्रोटीन फॉर्म करना है, इस पोर्शन को प्रोटीन फॉर्म करना है, तो ये वाला जो बेकार का पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, इसको हम भगा देंगे। ये प्रोसेस है इस छोटे छोटे सेगमेंट्स के हट जाने की प्रोसेस है, इन सेगमेंट्स के रिमूवल की प्रोसेस है स्प्लाइसिंग। तो ये जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सभी आरएनए के अराउंड मूव करती हैं। इसलिए आरएनए पहले फॉर्म हुआ, ये बात क्लियर है, एविडेंट कई सारे हमको मिलते हैं। आरएनए ना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है बल्कि ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। हम पहले बात कर चुके थे, ये कुछ लिविंग रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, ये हमारे बॉडी में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जहाँ पर एंजाइम प्रोटीन नहीं होता बल्कि वहाँ पर आरएनए एंजाइम होता है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये अनस्टेबल है, आप जानते हो, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये रिएक्टिव है, ये अनस्टेबल है, और इसीलिए डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से। कुछ केमिकल चेंजेस होते गए आरएनए में, मींस जो सिंगल स्ट्रैंडेड था वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया, थायमीन लग गया यूरेसिल के जगह पर, राइबोज शुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज शुगर आ गई, वो सारे केमिकल चेंजेस होते गए और आरएनए में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए और स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए फॉर्म हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी रेप्लिकेशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।